आगरा न केवल खूबसूरत ताजमहल के लिए बेहद फेमस है बल्कि अपने स्वादिष्ट व्यंजनों से भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप आगरा गए हैं तो आपको ये बात बिल्कुल पता होगी कि यहाँ का स्ट्रीट फूड कितना स्वादिष्ट होता है। और अगर आप इस शहर के लिए एकदम नए हैं तो क्यों न इस बार ताजमहल देखने के बाद इन स्ट्रीट फूड का मजा लिया जाए। तो आज की वीडियो में हम आपको आगरा के कुछ बेहतरीन और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के बारे में बताएंगे जिनको खाने के बाद आप एक और प्लेट के बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, आगरा का पेठा। पेठे के बिना आगरा की यात्रा हमेशा अधूरी रहती है। यह आगरा के सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड में से एक है। पेठा पान से लेकर केसर तक कई वैरायटियों में आता है, जैसे केसर पेठा, अंगूरी पेठा आदि। आगरा पेठा की खासियत होने के कारण देश के कोने कोने से लोग इसके लजीज स्वाद के कारण यहाँ आते हैं। पेठा आमतौर पर आकार में आयताकार या बेलनाकार होता है, जिसे एक विशेष सब्जी सफेद लौकी या सफेद कद्दू से बनाया जाता है। पेठा दो तरह का होता है, एक किस्म सूखी और सख्त होती है जबकि दूसरी नरम और तरल होती है। आगरा शहर से संबंधित होने के कारण इसे आगरा का पेठा भी कहा जाता है। अगर आप आगरा का पेठा खाना चाहते हैं तो आप हरी पर्वत चौराहे पर स्थित पंछी पेठा स्टोर पर जा सकते हैं। यह दुकान एक शांत वातावरण प्रदान करती है और सकारात्मक ऊर्जा बिखेरती है। नंबर टू, आगरा का पराठा। पराठा हर भारतीय घर में बनाया जाता है। आगरा की सड़कों पर पराठे की थाली बहुत मशहूर है। इस डीप फ्राई क्रिस्पी पराठे को सब्जी, दाल और चटनी के साथ सर्व किया जाता है। आगरा का पराठा एक मुगलीय डिश है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। पराठे गेहूं से बनाए जाते हैं जिसमें कद्दूकस किए हुए आलू, फूलगोभी तथा गाजर आदि की स्टफिंग होती है। यह नाश्ते का सबसे बेहतरीन व्यंजन माना जाता है। आगरा अपने मुगलीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आपको यहाँ सबसे अच्छे पराठे परोसे जाएंगे, जो आगरा के कुछ बेहतरीन स्ट्रीट फूड भी हैं। इस व्यंजन को आपके स्वाद बढ़ाने के लिए चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। अगर आप आगरा का पराठा खाना चाहते हैं तो आप सिविल लाइंस में स्थित रामबाबू पराठा भंडार पर जा सकते हैं। यह उचित मूल्य पर कई प्रकार के पराठे प्रदान करते हैं। नंबर थ्री, आगरा का भल्ला। भल्ला को दिल्ली और भारत के अधिकांश हिस्सों में आलू की टिक्की के नाम से जाना जाता है। आलू की टिक्की गोल आकार की होती है जिसे तेल में गर्म करके सर्व किया जाता है। आगरा में सबसे अच्छे स्ट्रीट फूड में से एक भल्ला आत्मा को संतुष्ट कर देता है। यह विभिन्न भारतीय मसालों, चना करी के साथ मिश्रित तले हुए मैश किए हुए आलूओं की डिश है जो चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसी जाती है। यह डिश चपटी गेंदों का आकार ले लेती है। शाम को ताज से जगमगाते धूप में आगरा बेहद लुभावना लगता है। यह स्थानीय लोगों के बीच पसंदीदा है और आगरा में प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड माना जाता है। अगर आप आगरा का भल्ला यानी टिक्की खाना चाहते हैं तो आप आगरा कैंट के सदर बाजार में स्थित आगरा चाट हाउस पर जा सकते हैं। यहाँ की टिक्की बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। नंबर फोर, आगरा की दाल मोठ। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है और कुरकुरे खाने का मन है तो यह आपके लिए एकदम सही नाश्ता हो सकता है। आप दाल मोठ के साथ एक ऐतिहासिक शहर में सर्दियों की शाम भी बिता सकते हैं। आगरा में इस स्ट्रीट फूड का चाय के साथ सबसे अच्छा आनंद लिया जाता है। यह मसाले और तली हुई दाल का मिश्रण है। इसे बियर या बिस्की के साथ नाश्ते के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक सूखा नाश्ता है और इसीलिए यात्रा करते समय आपको इसके बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसे बस एक बॉक्स में पैक करके अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आप आगरा की दाल मोठ खाना चाहते हैं तो आप पंछी पेठा स्टोर पर अपने मेन्यू में दाल मोठ की पेशकश करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पसंदीदा दाल मोठ हरी पर्वत चौराहे पर स्थित है, जिनकी दाल मोठ काफी स्वादिष्ट होती है। नंबर फाइव, आगरा की बेड़ई और जलेबी। आगरा का पेठा और ताजमहल पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर आगरा की एक और चीज मशहूर है, वो है देवीराम की गर्मा गर्म बेड़ई जलेबी। आगरा में रहने वाले लोगों का यह फेवरेट नाश्ता है। बेड़ई पूरी को उड़द की दाल से बनाया जाता है। इसके साथ परोसे जाने वाली सब्जी आलू और दही से बनती है, जो खाने में बहुत ही मसालेदार और चटपटी होती है। जलेबी जो पूरे उत्तर भारत की पसंदीदा मिठाई है, उसके साथ ये पूरी खाकर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वक्त के साथ इस दुकान ने भले ही अलग अलग प्रकार की मिठाइयां और नमकीन बनानी शुरू कर दी हों, लेकिन पिछले 71 सालों से यहां पर बेड़ई और जलेबी परोसी जा रही हैं। आगरा के लोग तो यहां तक कहते हैं कि देवीराम की स्पेशल डिश खाकर उनका पूरा दिन बन जाता है। वहां के लोग ताजमहल घूमने आने वालों को एक बार इसे ट्राई करने के लिए जरूर कहते हैं। अगर आप आगरा की बेड़ई और जलेबी खाना चाहते हैं तो देवीराम मिठाई की दुकान पर जा सकते हैं। यह प्रतापपुरा में महात्मा गांधी रोड पर स्थित है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आगरा के ये स्ट्रीट फूड आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो अगर आपने इनमें से किसी स्ट्रीट फूड को खाया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।